नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रृंगार और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस ऑटोमोबाइल से संबंधित चैनल पर, जिसमें आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन दो गाड़ियों का, दो सेडान व्हीकल का। हमने चूज किया है एक बजट 10 लाख रुपए। अगर आप सोच रहे हैं 10 लाख से अंदर एक गाड़ी लेने का, तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। देखते रहिए वीडियो को अंत तक, आप चूज कर पाएंगे कि दो गाड़ियों, दो 10 लाख तक में जो हमने गाड़ी कंपेयर की है, उनमें से आपको कौन सी लेनी है। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आगे भी इस प्रकार के कंपैरिजन आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, आज हमने जो दो गाड़ियां चूज की हैं वो है मारुति की डिजायर और दूसरी गाड़ी हमने लिया है ह्यूंडई की ऑरा। मारुति डिजायर को हमने लिया है ZXi प्लस ऑटोमेटिक के लिए, और दूसरी जो गाड़ी हमने उठाई है ह्यूंडई की ऑरा, वो है SX प्लस टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ। तो देखेंगे कि क्या इनमें डिफरेंसेस है। प्राइस की अगर बात करें, 10 लाख के अंदर प्राइस में आ जाती है दोनों ही गाड़ियों। 10 लाख में आपको ऑन रोड प्राइस में मिल सकती हैं, इसलिए हमने इन्हें कंपेयर किया है। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले कर लेते हैं इंजन और पावर की बात, परफॉर्मेंस की बात। तो अगर मारुति में देखेंगे 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है, जिसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो 1197 से इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आपको पावर देता है 88 BHP की, और टॉर्क जो आपको मिलता है वो है 113 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है। अब इंजन हम देखते हैं ह्यूंडई ऑरा का। इंजन की बात करें, 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज कप्पा पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। अगर कप्पा पेट्रोल इंजन की खासियत की बात करें, तो ये काफी वेट में हल्का होता है और ज्यादा अच्छे से आपको जो है पावर प्रोवाइड कराता है। ये इसकी खासियत होती है कि काफी ज्यादा वेट में हल्का होता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी मिल जाती है। सो इसकी अगर पावर की बात करें, चूंकि ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, पावर आपको काफी अच्छी, जो कि 98 BHP की पावर दे देता है। साथ ही साथ टॉर्क की बात करें, 171 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा होगा, जो कि आप देखें कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट्स में गाड़ियों में मिल जाता है आपको इतना टॉर्क। सेडान में, कॉम्पैक्ट सेडान में, या जैसे छोटे 10 लाख तक की गाड़ियों में काफी अच्छा होता है 171 Nm का टॉर्क मिलना। बात करें अगर ट्रांसमिशन की, तो आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है ऑटोमेटिक मारुति डिजायर में, वहीं पर अगर आप देखें ऑरा में आपको मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन 5-speed गियर के साथ। दोनों ही गाड़ियां जो है फ्रंट व्हील ड्राइव होती है। फ्यूल टाइप की बात करें, तो दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल पर चलेंगी। पेट्रोल में हमने इनको जो है किया है कंपेयर। अब देखते हैं कि क्या इसकी फ्यूल इकोनॉमी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं मारुति डिजायर। मारुति डिजायर की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो है 24 km/L, जो कंपनी क्लेम करती है। तो अगर आप चलाते हैं इसको रोड पर सिटी में, तो लगभग 20-22 की आपको एवरेज निकाल कर दे सकती है। वहीं पर अगर ऑरा की बात करें, तो इसका फ्यूल इकोनॉमी दिया है कंपनी ने 20 km/L का। नॉर्मली 17 से 18 या 19 km/L आप निकाल पाएंगे। फ्यूल टैंक दोनों ही गाड़ियों में 37 L का आपको मिल जाता है। बात करें अगर ब्रेक्स की, तो सामने जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे आप देखेंगे गाड़ी में ड्रम ब्रेक लगे हुए हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, ABS EBD आपको मिल जाता है, जो कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो काफी ज्यादा आपकी जो है ब्रेकिंग स्मूथ हो जाती है। स्टीयरिंग की बात करें, टिल्ट एडजस्टमेंट आपको दोनों गाड़ियों में दिया हुआ है। टिल्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है उसे आप अपनी हाइट के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अगर बात करें व्हील साइज की, टायर्स की, तो आपको जहां मारुति में 185/65 यानी कि 185/65 R15 के व्हील मिलते हैं। अब 185/65 क्या है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि 185 का मतलब होगा गाड़ी कितना सरफेस उसका लगा हुआ, कितना mm सरफेस उसका जो है नीचे से लगा हुआ है, धरती से लगा हुआ है, उसकी बात होती है। चौड़ाई कितनी है टायर की, उसकी बात हो जाती है। विड्थ की बात हो जाती है। डिवाइड बाय 65 जो लिखा रहता है, उसका मतलब होता है 185 का 65% उसकी जो है हाइट होगी, उस टायर की पर्टिकुलर जो वाल की हाइट होगी। और R15 का मतलब होगा कि उसका लेंथ, उसका डायमीटर कितना है आपके व्हील का, जो अलॉय व्हील मिल रहा है आपको उसका। तो आपको 185/65 R15 के व्हील्स मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप ऑरा में देखेंगे 170/65 R15 के व्हील आपको मिलते हैं। तो थोड़े छोटे मिलते हैं मारुति की अपेक्षा व्हील साइज, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में अगर देखेंगे तो कंपेटिबल होते हैं अपने अपने हिसाब से। बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस में, लेंथ में, हाइट में, विड्थ में लगभग लगभग दोनों गाड़ियां सेम होती है। बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस की, तो आपको मारुति डिजायर में जहां पर बूट स्पेस मिलता है 378 L का, ऑरा थोड़ी ज्यादा आगे निकल जाती है। यहां पर ऑरा में आपको बूट स्पेस मिल जाता है 402 L का, जो कि काफी होता है एक सेडान व्हीकल के हिसाब से। अगर आप वहां पर काफी सारा सामान रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। बात करते हैं दोनों गाड़ियों में कंफर्ट की, तो दोनों ही गाड़ियों में अगर आप देखेंगे, आपको फ्रंट पावर विंडोज, बैक रियर पावर विंडोज मिल जाती है, आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है गाड़ियों में,
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल होता है, क्लाइमेट कंट्रोल आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर जैसे लो फ्यूल वार्निंग आपको मिल जाएगी कि अगर गाड़ी में जो है फ्यूल कम हो रहा है तो आपको वार्निंग मिल जाती है। नेविगेशन आप कर सकते हैं दोनों गाड़ियों में। म्यूजिक सिस्टम आपको काफी अच्छा मिलता है। टचस्क्रीन सिस्टम आपको दिया जाता है। लेदर सीट्स आपको मिल जाती है गाड़ियों में। कीलेस एंट्री आपको मिलती है और स्टार्ट स्टॉप के लिए एक बटन मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर सीट में आर्मरेस्ट मिलता है। रियर एसी वेंट्स आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए मिलेंगे। काफी अच्छे फीचर्स के साथ ये गाड़ियां आती हैं। ट्रंक में आपको लाइट मिल जाएगा। ट्रंक रिमोट ओपनर आपको मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। फीचर्स की बात करते हैं कि दोनों गाड़ियों में क्या सेपरेट फीचर्स हैं, क्या अपने जो गाड़ी के फीचर्स हैं वो उसको खास बनाते हैं जो सिर्फ उसी गाड़ी में मौजूद है। तो बात करते हैं सबसे पहले मारुति डिजायर की। तो डिजायर में अगर आप बात करेंगे, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है जो कि ऑरा में अवेलेबल नहीं है। क्रूज कंट्रोल जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप लंबे सफर पर जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक बटन दबानी है, आप कांस्टेंट स्पीड पर चला सकते हैं गाड़ी को बिना एक्सेलरेट किए हुए। उस बटन से आप स्पीड कांस्टेंट कर देंगे गाड़ी की, तो आपको क्लच भी नहीं दबाना होगा, ब्रेक भी नहीं दबाना होगा, एक्सेलरेटर भी नहीं देना होगा, सिर्फ आप हैंडल संभालेंगे, क्रूज आप कर सकते हैं लंबे समय के लिए। साथ ही साथ आपको जो सेंटर कंसोल है, सेंटर कंसोल जो होता है उसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। अगर आप वहां को सामान रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। ये फीचर आपको स्विफ्ट में मिलता है। क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा ऑरा में मिलती है इसकी बात कर लेते हैं। ऑरा में आपको सबसे बड़ी बात है कि ग्लो बॉक्स कूलिंग मिल जाती है। मतलब अगर आप अपने कुछ बीवरेजेस रखना चाहते हैं वहां पर, या फिर आप बात करें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की, तो वहां पर आप रख सकते हैं। ये होता है एक्चुअली एसी वेंट जो कि आपके ग्लोव बॉक्स में भी खुलते हैं, तो काफी ठंडा वहां का माहौल रहता है। आप काफी सारी चीजें वहां पर, दवाइयां अगर आप रखना चाहते हैं तो वहां पर रख सकते हैं। और एक चीज जो है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको ऑरा में देखने के लिए मिल जाती है जो आपको इंडिकेट करता रहेगा कि आप अभी आरपीएम जो है आपका मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच रहा है, आपको गियर शिफ्ट करना चाहिए, अप करना चाहिए या फिर आपको अप डाउन करना चाहिए। सेफ्टी की बात करते हैं, दोनों गाड़ियों में क्या सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे एबीएस ईबीडी की। ब्रेकिंग काफी अच्छी स्मूथ बनाने के लिए एबीएस ईबीडी दोनों गाड़ियों में सेफ्टी के लिए दी गई है। बात करें अगर चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों गाड़ियों में दिया गया है। इसके अलावा आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए, जैसे कि एयरबैग दोनों गाड़ियों में दो आपको मिल जाते हैं। इमोबिलाइजर मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। डुप्लीकेट की जो है उससे आप यूज नहीं कर सकते हैं गाड़ी को। क्रैश सेंसर गाड़ी में मिलता है आपको, दोनों गाड़ियों में क्रैश सेंसर लगे हुए हैं। रियर पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है। फ्रंट फॉग लैंप दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स एडिशनली क्या मारुति डिजायर में लगे हैं और क्या ऑरा में लगे उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिजायर की। तो डिजायर में आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प, साथ ही आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जिस वजह से गाड़ी आपकी स्टेबल चलती है रोड के ऊपर, कभी भी आपको उसमें प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। फॉलो मी होम लैम्प्स का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, मतलब की गाड़ी आपने पार्क करी घर के सामने रात के समय, तो आपके जो हेडलैम्प्स हैं वो 2 से 3 मिनट तक चालू रहते हैं ताकि आपको एक रास्ता दिखता रहे। एंटी पिच ड्राइवर साइड विंडो का एक ऑप्शन अवेलेबल है मारुति डिजायर में। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी का शीशा आप ऊपर कर रहे हैं उस समय कोई ऑब्जेक्ट वहां पर रहता है या फिर आपकी उंगली वहां पर फंस जाती है, तो वो जो है सेंस करके वहीं पर उस विंडो को रोक देता है ताकि आपकी उंगली को किसी प्रकार का हार्म ना हो। ऑरा में एक एक्स्ट्रा जो फीचर है उसकी बात कर लेते हैं। ऑरा में फीचर आपको मिल जाता है कि जैसे ही कहीं क्रैश होता है तो इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो अनलॉक उसको बोलते हैं, कि जैसे ही इम्पैक्ट कहीं पर होता है गाड़ी का तो सारे डोर जो है अनलॉक हो जाते हैं ताकि आप अंदर फंसे ना रह जाए। तो एक अच्छा फीचर हो जाता है सेफ्टी के लिए। बात करें एंटरटेनमेंट की, तो दोनों ही गाड़ियों में 7 से 8 इंच के, जैसे आप ऑरा में देखेंगे 8 इंच का आपको टचस्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, 7 इंच का आपको स्विफ्ट में मिल जाता है, तो आपको टचस्क्रीन सिस्टम मिल जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी होती है। 4 स्पीकर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं। काफी अच्छा साउंड सिस्टम भी आपको मिल जाता है। तो यह हो गई एंटरटेनमेंट की बात। एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले से आप कनेक्ट कर सकते हैं गाड़ी को। तो ये था दोस्तों मारुति डिजायर और हुंडई ऑरा के बीच में कंपैरिजन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार की कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।